12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 यानी व्युत प्रश्न वाला नंबर 4 है, इसका 10th क्वेश्चन डिटरमिनेंट दे रखी है सारणी x plus y, y plus z, z plus x, z, x, y, 2, 2, 4, 2. इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू लिख दीजिए इसमें, किसी भी सारणी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप इसमें ऑपरेट कीजिए इसको R1 के अंदर R1 plus R2 का. ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर x plus y है लेकिन z नहीं है, यहां पर y plus z है लेकिन इसमें plus x नहीं है, z plus x है लेकिन इसमें plus y नहीं है. अगर इसके अंदर ये वाली रो ऐड कर दें तो सभी में से कॉमन आराम से आ जाएगा. तो ऐसा करने से R1 में चेंज हुआ है, R2 और R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये z इसमें प्लस हो जाएगा तो x प्लस y प्लस z, ये x इसमें प्लस हो जाएगा, इसी तरह से y इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस y प्लस z आ जाएगा. यहां पर z x ये y ये 2 और ये 2. अब आप इसको कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन x प्लस y प्लस z from R1 and taking common 2 from R3. तो अब इसमें अगर मैं x plus y plus z यहां से common ले रहा हूं, तो एक row या एक column में से common ले सकते हैं, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, ये z, x और y है, जिस इसमें से 2 common आ रहा है, 2 आगे लिख दो, ये 1 और ये 1 और ये 1. अब देखो R1 और R3 एकदम सेम है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. जब कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की या तो सारणी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है. इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल देखिए. इलेवंथ में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये जो डिटरमिनेंट दे रखी है 1, 2, 3, 4, x और 6, 7, 8 और 9. इसमें एक काम करो, थोड़ा से नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, C3 के अंदर एक चेंज करते हैं, C3 माइनस C1 C1 ही कर लें. तो ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी. इसको यहां पर माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इसमें जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन ले लो C3 में से, तो 1, 4, 7 तो ये है, 2, 8, 2x और ये 8 है, और यहां पर हो गया 1, 1 और ये 1, इज इक्वल टू 0. ये 2 0 के नीचे चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा. अब आप एक काम और कर सकते हो कि R3 में से थोड़ी कैसे छोटी करने की कोशिश हो रही है, बाकी एक्सपेंड शुरू से ही कर ले बोले, R3 में से R1 को माइनस करते हैं, ये 2 0 के नीचे चला जाएगा. ये प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी, ध्यान रखें. तो R1 के अंदर कोई चेंज है नहीं, 1 2 1 हो गया, ये 4x और ये 1 है. देखो 7 में से है ना, R1 को माइनस करना R3 में से, यहां आ जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा तो यहां कितना आ जाएगा 6, और 1 में से ये 1 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0. अब इसमें देखो ये दोनों 6 है ना, तो यहां 0 है तो 6 को कॉमन ले सकते हैं, यहां से 6 को अगर कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 1 2 1 और 4 x 1 और ये 1 1 और ये 0 इज इक्वल टू 0. ये 6 0 के नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 0 हो जाएगा. अब आप इसमें से यहां पर चाहे तो एक R1 के अंदर चेंज कर लें, R1 माइनस R3, 6 को 0 के अपॉन में जाकर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. R1 में से R3 माइनस कर रहे हैं 0, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा ये 1. देखो ये 0 मिल गया मेरे को, और ये हमारे पास 1 हो गया और ये 1 ही रहेगा. अब हमारे पास 4x 1 1 1 और ये 0. अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो अगर मैं इसके अलावा R1 के अलावा एक्सपेंड करूंगा
तो एक सिंपल सी बात है, यहां पर देखो ये कितना है जीरो, तो फर्स्ट टेंस के साथ में और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस वन, तो वन है ना, वन से रिलेटेड रो और कॉलम हटा दो तो हमारे पास बचेगा फोर वन वन जीरो प्लस वन, और इसके साथ में वन से रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे, ये बचेगा फोर वन और ये एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस है, जीरो का कोई मतलब है नहीं, हमारे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फोर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस वन, माइनस को लगाते हैं बीच में, प्लस वन इसका मिडिल में फोर माइनस इसका एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन और ये माइनस कितना प्लस वन हो जाएगा, प्लस फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइव इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइव आ गई। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करने से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, डिजिट थोड़े छोटे हो जाते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो सके, इजीली क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करेक्ट एक्सपेक्ट करें तो भी आंसर फाइव ही आएगा। इसमें भी आपको वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट दे रखी है 1 3 9 3 9 1 9 1 3, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन की बड़ी आने वाली है, प्रॉपर्टी यूज कर लो, R2 में एक चेंज करो, R2 माइनस 3 इंटू R1, ऐसा करने से जो बेनिफिट हो रहा है वो देखिए 1 3 और ये 9, यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करेंगे ना तो ये भी 0 आ जाएगा, और ये कितना हो गया यहां पर 1 माइनस 9 27 यानी कि माइनस का 26 आ जाएगा, और ये मेरे पास है 9 1 और ये 3। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इसमें ना ये 26 कॉमन आ सकता है माइनस का 26, तो बेटर रहेगा कि कॉमन ले लें, माइनस का 26 कॉमन आया 1 3 9 0 0 ये 1 और ये 9 1 और ये 3, अभी और भी जीरो अच्छे कर सकते हैं, दो जीरो और बन गए इसके अंदर, आर वन के अंदर चेंज करें, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 और R3 के अंदर भी R3 माइनस इसको 9 टाइम करें R2 को R1 में से और यहां करें 3 टाइम ऑफ R2, तो ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है और कुछ नहीं है, तो R1 में से 9 टाइम्स ऑफ दिस करें तो 0 0 है, ये तो 1 और ये 3 रहेगा, बट यहां क्या हुआ ये 0 मिल जाएगा, ये 0 0 1, यहां पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 ही रहेगा और ये हमारे पास 9 ही रहेगा, जितने मैक्सिमम 0 एक्सेस कर सकते हैं कर लेना चाहिए। अब हमारे पास में माइनस का 26 तो पड़ा ही है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, किसके अलाउंग करेंगे R2 के अलाउंग करेंगे, तो सबसे आगे क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके आगे क्या आएगा माइनस 1 आएगा, और इससे ये 1 तो ही है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दो आप इसमें, तो 1 3 और 9 1 1 3 और ये 9 1, माइनस माइनस प्लस ये 26, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 27, 26 और ये माइनस का 26, माइनस का कितना आ गया 26 इंटू 26 होता है 676 हमारे पास इसमें आंसर आ गया। बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कीजिए और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बस स्टेप्स इसके प्रॉपर्टी यूज करने से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसमें जो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर 1 प्लस ए बी और सी, ये ए 1 प्लस बी और सी, ए बी और ए 1 प्लस ए, इसमें मैं काम करता हूँ C1 के अंदर चेंज करता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा करने से बेनिफिट जो होगा वो देखिए 1 प्लस A प्लस B प्लस C हो गया, इन तीनों को ऐड करो 1 प्लस A प्लस B प्लस C आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करने से 1 प्लस A प्लस B प्लस C, ये C1 में चेंज हुआ है, C2 इसमें एज इट इज, ये हमारे पास B, ये C, C और ये 1 प्लस C, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा जाएगा टेकिंग 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन
फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। यहां से कॉलम फर्स्ट से अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, बचा कितना इसमें 1 1 1, ये बी, ये 1 प्लस बी और ये बी, सी सी और ये 1 प्लस सी। अब जब इसके अंदर 1 1 आ जाता है तो समझो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी होती है, इसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ 2 0 बना इसमें, आर टू के अंदर चेंज किया आर टू माइनस आर वन, एक आर थ्री के अंदर चेंज करेंगे आर थ्री माइनस आर वन, ऐसा करने से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्रायोरिटीज है और आर टू माइनस आर वन, आर वन में तो कोई चेंज है नहीं, ये प्रायोरिटीज आ जाएगा बी सी, ठीक है। अब R2 में से R1 माइनस करें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, यहां से ये B माइनस होगा तो सिर्फ 1 बचेगा, इसी तरह से ये 0 आ जाएगा। R3 में से भी माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये B माइनस B 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा, बहुत इजी हो गया। अब हमारे पास कॉर्नर में देखो ये 1 है और ये 0 0 है, ऐसी कंडीशन में 1 से रिलेटेड रो और कॉलम दोनों हटा दें, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, स्टेप क्या बनता है एक्सपेंडिंग अराउंड सी वन, कॉलम फर्स्ट के अराउंड एक्सपेंड आ रहे, बचा क्या 1 0 0 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, बहुत सिंपल। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके बहुत जल्दी इसके आंसर अचीव कर सकते हैं, ये आपको प्रूव करने में भी आ सकता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 4a² b² c² के इक्वल है, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की डिटरमिनेंट यहां पर माइनस का a स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस का b स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और ये माइनस का c स्क्वायर। अब इसको ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि इसमें से a कॉमन आ रहा है, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर, तो हमारे पास मिला क्या इसमें ए बी सी, यहां से बी यहां से सी, तो ये माइनस का ए बच गया, यहाँ बी बच जाएगा और यहाँ पर सी बच जाएगा, यहाँ पर बी बाहर आएगा कॉमन तो ए बचेगा, यहाँ से माइनस का बी और यहाँ सिर्फ सी, यहाँ पर सी कॉमन आ गया तो ए बच गया, बी बच गया और ये माइनस का सी बच गया। अभी भी देखिए कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऑब्जर्व करें तो देखिए कॉमन A from column first, B from column second, or C from column third. तो मिलेगा क्या मेरे को A A B C पहले से पढ़ा है, यहां से B और यहां से C, तो ये हो जाएगा A square B square और ये C square. Results क्या बचेंगे minus one, one और one. हमेशा ध्यान रखो one one आ जाए किसी column में तो क्वेश्चन मतलब कि बिल्कुल एंड लेवल पे आ जाता है, उसके बाद सिर्फ 0 0 बनाने होते हैं, 1 -1 और ये 1, ये हमारे पास 1 1 एंड ये -1। अब देखो 2 0 0 डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हम, उसके लिए आप एक काम करें आर वन के अंदर चेंज आर टू के अंदर, आर टू के अंदर हम चेंज करेंगे आर टू प्लस ये हमारे पास आर वन कर दें और आर थ्री के अंदर चेंज करें आर थ्री माइनस ये हमारे आर थ्री, एक आर टू के अंदर आर वन प्लस कर रहे हैं, ये यहां प्लस ही करते हैं, दोनों प्लस करें तो 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस 1 1 और इधर पड़ा है, इसके अंदर देखो ये प्लस हो रहा है तो 0, ये भी 0 और यहां से 2, यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है R2 और R3 से, तो दोनों
यहां से टू आ रहा है, यहां से टू आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो टू इंटू टू और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन 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 और ये जीरो जीरो वन और ये हो जाएगा जीरो वन और ये जीरो। अब मैंने आपको बताया था ये इस माइनस को भी अंदर आप चाहो तो बाहर ले लो ले और रिजल्ट्स क्या आएंगे, माइनस का फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो, ये सी वन में से कॉमन लिया माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब इसमें देखो दो जीरो और वन जब एक साथ आ जाए ना तो ये रो और कॉलम को हटा दिया जाता है तो हमारे पास माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा क्या इसमें जीरो वन वन जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो माइनस वन, माइनस वन हो जाएगी एक माइनस पहले से आगे पड़ा है तो प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा केयरफुली इसका टू स्टेप चलते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण जो ये दे रखा है का एक मूल x इक्वल टू टू है। क्वेश्चन नंबर 15 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। यहां पर दो बातें हैं, फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसके अंदर आपको ये सिद्ध करना है कि x इक्वल टू टू इसका एक मूल है, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप इसमें याद करो कि पुट x इक्वल टू टू इसमें रख के देखते हैं कितना है, x जगह टू रखना है टू माइनस थ्री एज इट इज, यहां पर माइनस का सिक्स, यहां टू रखेंगे तो ये माइनस का सिक्स, ये फोर हो जाएगा माइनस वन टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, यहां टू रख रहे हैं अपन टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस वन और ये हमारे पास में फोर हो जाएगा। अब इसको मैच करके देखो ये आर वन और आर टू कंटिन्यू चल रहा है, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आर वन आर टू, यहाँ पर R1 is equals to R2 है, इसका वो दोनों सेम है, इसके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अतः x इक्वल टू इसका एक मूल है, इसके एक वन ऑफ द रूट है। अब आप इसको दूसरे रूट में फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वापस लिख लेते हैं इसको, एक्स लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें लिखते तो मेरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, टू माइनस का थ्री एक्स, कभी वैल्यू इधर से उधर पोस्टिंग करनी हो ना तो थोड़ी सी स्पीड कम कर देनी चाहिए, टू एक्स और ये एक्स प्लस टू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो थोड़ी प्रॉपर्टीज का सारा ले लेते हैं, तो मैंने इसमें क्या किया कि x c1 के अंदर c1 प्लस c3 किया, इससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो देखिए, ये x माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो x माइनस वन और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी x माइनस वन आ जाएगा, माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस वन x माइनस थ्री और ये x प्लस टू एवरेज है। अब x माइनस वन c1 में से कॉमन ले लो आप इसमें, टेकिंग कॉमन x माइनस वन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट तो आ जाएगा x माइनस वन, यहां बच जाएगा वन 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 माइनस का सिक्स माइनस का थ्री एक्स, ये 2x 2x as it is minus 1 x minus 3 and x plus 2 ये जो होती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 1 1 1 आ जाए इसका मतलब बिल्कुल एंड लेवल पे आ चुका होता है, सिर्फ दो जीरो बनाने की जरूरत होती है, पहले इसको कॉपी करो। ध्यान रखें इसके अंदर जीरो प्रूव नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो यहां लिखिए वापस एज इट इज इसको एक्स माइनस वन और ये वन 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 माइनस का सिक्स
minus the 3x and 2x minus 1, x minus 3 and x plus 2 is equal to 0. थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लें, x माइनस वन आ चुका है, ये 1 1 1 इसको ऐसे कर लें और ये माइनस का 3x x माइनस 3 2x और x प्लस 2, अब आप उसको हटा सकते हैं। अब कॉलम फर्स्ट के अंदर सभी 1 1 आ चुके हैं तो दो जीरो डेवलप करो उसके अंदर, तो मैंने इसमें r2 के अंदर चेंज किया r2 माइनस r1 और आप थ्री के अंदर चेंज करेंगे तो आर थ्री माइनस आर वन यहां दो जीरो आ जाएंगे, एक्स माइनस वन वन माइनस सिक्स वन माइनस वन, इसमें से ये माइनस किया है तो जीरो आ जाएगा, यहां पर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का सिक्स हो जाएगा और ये एक्स माइनस थ्री तो है यहां प्लस वन हो जाएगा माइनस टू कर देंगे, यहां पर भी जीरो, ये टू एक्स प्लस का सिक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है और ये हमारे पास x प्लस थ्री जाएगा जीरो। थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करें तो ये x माइनस वन है, बहुत जल्दी एक्सपेंड नहीं करना होता है, जितना सिंप्लीफाई हो सके करें इसको, यहां पर माइनस थ्री कॉमन है इसमें तो x माइनस टू आ जाएगा, यहां पर भी इसमें टू कॉमन आ रहा है तो x प्लस थ्री आ जाएगा, ये माइनस वन ये एक्स माइनस टू और कितना सिंपल हो गया है इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स माइनस टू यहां से कॉमन आ रहा है और एक्स प्लस थ्री यहां से कॉमन आ रहा है, बहुत ध्यान से है ना, बहुत जल्दी अगर एक्सपेक्ट करेंगे ना तो ये बहुत बड़े आपको फैक्टर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, उससे बचने के लिए प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए, यहां पर भी टेकिंग कॉमन x माइनस टू फ्रॉम आर टू एंड x प्लस थ्री फ्रॉम आर टू, बहुत नजदीक है हमारे सबसे, x माइनस वन यहां से आ गया x माइनस टू और ये x प्लस थ्री, अब रिमेनिंग वैल्यूज देखिए क्या क्या बची है इसके अंदर, ये तो एज इट इज है 1 माइनस सिक्स और ये माइनस वन, ये हमारे पास में 0 और यहां से आ गए तो माइनस थ्री और ये हमारे पास 1, इसी तरह से फिर 0 ये और यहां पर कितना ये 12 आ चुका तो 2 ले आएगा और यहां पर कितना है ये 1। अब आप इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, इज इक्वल टू 0 होने को है, ये 0 0 1 है ना, तो 1 से रिलेटेड रो और कॉलम हटा देते हैं, इस टाइप को क्या बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, यानी कॉलम फर्स्ट के अलोंग प्रसार करने पर, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री बचा क्या है माइनस थ्री वन टू और ये वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एक्सपेंड करें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री और माइनस टू जीरो, माइनस फाइव जीरो के अकाउंट में जाके जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री टू जीरो, तो तीन ब्रैकेट्स आ गए इसके अंदर जो जीरो के इक्वल है, तो या तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा या फिर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो या फिर तो किसी एक का तो जीरो होना जरूरी है। अब इससे मिला मेरे को x इक्वल टू वन, इससे मिला x इक्वल टू जो पहले से ऑलरेडी इसने कुछ नहीं कह दिया था और ये x इक्वल टू माइनस थ्री, तो शेष जो इसके क्या बोला मूल कितने हो गए 1 और माइनस थ्री, टू तो इसने खुद ने पहले से बोल दिया था, तो सभी अगर मूल लिखना चाहे तो सारे जो समीकरण के मूल या पूरा लिख दो दिए गए समीकरण के मूल कितने हो गए 1 हो गया 2 हो गया और माइनस थ्री, और शेष मूल बोले तो सब दो ही हो गए वो 1 और माइनस थ्री, क्योंकि दो टू का इस टू को इसने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, तो और सारे मूल लिखने हैं तो 1, 2, -3 तीनों लिख दो। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इसके अंदर ना सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टीज का प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर्टीज प्रॉपर यूज करने से क्या होता है कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है,
मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में पेपर में है ना, सबसे लास्ट में करने की कोशिश नहीं करें, पहले ही कर लें ताकि आपके आंसर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो निकला सके आप। वैसे बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसमें मिस्टेक होती नहीं है। एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।